ट्राई करके देखूं? तुम्हें बंदूक चलानी आती है? ओ, बहुत अच्छा निशाना लगाता हूँ। देखिए मेरे पास भी एक पिस्तौल है। अंकल ये पिस्तौल मुझे दीजिए ना। हाँ, मैं नहीं दूंगा। अंकल प्लीज दीजिए ना। पहले आइसक्रीम खा लो। नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। आइसक्रीम नहीं चाहिए बोलने वाला पहला बच्चा भी देख रहा हूँ। अगर तुम इसे खाओगे तभी तुम्हारी बंदूक लेके मैं तुम्हें नई बंदूक दूंगा। ये बात है तो दीजिए। अब तो मुझे नई बंदूक दीजिए अंकल। थैंक यू अंकल। तुम मुझे मारेगा है? 3 साल से मैं यहाँ रखवाली कर रहा हूँ, एक कवे तक को नहीं मारा मैंने। चिड़िया भी निडर होकर बंदूक पर बैठकर हक कर जाती है रोज, के उसे भी मालूम है कि मुझे गोली चलानी नहीं आती। देखो मेरे साथ मत खेलो। मैं तेरे साथ क्यों खेलूंगा? जा जाकर बाबूजी से पूछ शाम के लिए क्या नाश्ता बनाया है, वो मुझे खिड़की से भिजवा देना। जा बेटा। ओए, कौन वहाँ आम चुरा रहा है? आधे रखकर आधे ले जाओ। हंसा, मैं तुम्हें शूट करूंगा। मैं मर गया तो इडली कौन बनाएगा, वड़ा कौन बनाएगा, तुम ही बताओ। यू आर करेक्ट, तुम्हें नहीं शूट करूंगा। जिसे शूट करना है उसे शूट करूंगा। तुम काम करो। पापा के साथ करना, जाकर हाथ मुंह धोकर टिफिन खा। जा ना। हैंड्स अप। विमल, तुम्हारे इस रिवॉल्वर का खेल सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ही, शाम में अच्छा नहीं लगता। ओके, ठीक है। कल सुबह 8 बजे आप बिल्कुल तैयार रहना, मैं आपको शूट करूंगा। ओके मेरे बच्चे, ओके। आप में और चोर में फर्क ही क्या है? क्या बोल रही हो? और नहीं तो क्या, वो चोरी खत्म करने के बाद 3-4 बजे घर आता है, आप भी तो इतने बजे ही आ रहे हैं। अरे आज तो जल्दी आ गया ना, फिर क्या है। लक्ष्मी, आज की रात में सोऊंगा ही नहीं। मैं भी नहीं सोऊंगी। किस लिए? भूल गए क्या, आज ही के दिन हमारी शादी हुई। अरे वाह, मैं तो भूल ही गया था। हमारी शादी के दिन से आज तक जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ वो सारी बातें हम आज याद करेंगे। क्या क्या हुआ था? सुबह शादी हुई, शाम में रिसेप्शन हुआ। हाँ। उसके बाद गाने बजाने का प्रोग्राम हुआ। हाँ। और उसके बाद रात में चाहिए ना। लक्ष्मी, हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मरकर भी तुमसे बिछड़ना नहीं चाहता। ये क्या कह रहे हैं, आज के दिन आप मरने की बात कर रहे हैं? अरे ऐसे ही बोल रहा था, आ जाओ ना। अरे चाहिए ना, आज के बाद कोई दूसरी रात नहीं आएगी क्या? रात आनी ही नहीं चाहिए और सुबह भी होनी ही नहीं चाहिए।